फिल्म का नाम सही रखा है मुजफ्फरपुर शेल्टर होम एक जीवित गाथा है

और जिस संस्थान में वो काम करते हैं उनको है ना सरकार को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक मूवी आई है फिल्म का नाम है भक्षक उसमें बिहार में एक मुजफ्फरपुर एक जगह है वहां के शेल्टर होम का एक केस हुआ था उसी को लेकर ये उसी के इर्द गिर्द जो है कहानी जो है वो घूमती है उसमें एक पत्रकार का जिक्र है और पत्रकार जो लीड कैरेक्टर में है भूमि पर पंडेकर उसमें है पेडनेकर उसमें है उनको लेकर एक फिल्म जो है उनको कैरेक्टर जो है जर्नलिस्ट का है और वो उसमें एक स्टोरी क्रैक करती हैं मुजफ्फरपुर की जगह पे वहाँ पे उसका नाम कुछ और लिखा हुआ है उस फिल्म में और जो एक बात इस फिल्म के आने के बाद चलने लगी कि जो लीड कैरेक्टर है इसमें उनका जो रोल है वो कहीं ना कहीं बिहार की एक जर्नलिस्ट है उनसे इंस्पायर है इसीलिए हम लोग बात करने के लिए यहाँ पे निवेदिता झा हमारे साथ हैं जर्नलिस्ट हैं एक्टिविस्ट हैं पोएट हैं ऐसा कहा जा रहा है कि ये फिल्म उनको लेकर उनके ऊपर इंस्पायर है इस पर हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम समझना चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर में जो घटना शेल्टर होम की हुई थी वो क्या केस था और उसमें निवेदिता झा का क्या रोल रहा है ये बहुत जरूरी मसला है और इतफाक है की फिल्म आई है तो फिर से इस पर चर्चा शुरू हुई है तो दरअसल ये ये पूरा मामला ये था कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम ही नहीं बल्कि बिहार के जितने शेल्टर होम है उसको लेकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने एक रिपोर्ट सरकार को सबमिट किया और ये इस रिपोर्ट जब सबमिट हुई तो लगभग तीन महीने तक सरकार ये रिपोर्ट दबाई रखी रूटीन रूप से जो है शेल्टर होम के बारे में सरकार कराती है ये सरकार का काम है कि वो इन चीजों का सर्वे कराए कि क्या हालात है उसी के तहत टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को यह जिम्मेदारी दी गई थी और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने सत्रह शेल्टर होम के बारे में ये सर्वे किया और जिसमें उसने पाया कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के अंदर बाकी सारे शेल्टर होम के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही थी लेकिन अब्यूज के मामले मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के बारे में जिक्र किया गया था और ये मामला आ, लोकल अखबारों के माध्यम से बाहर आई जिसमें कई अखबारों में ये खबर छपी और जब ये खबर छपी तो काफी हंगामे हुए और जो विमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन लोगों ने बहुत आंदोलन किए बिहार भर में यह आंदोलन हुआ और मैं चूंकि तब तक जर्नलिज्म भी कर रही थी और एक्टिविज्म भी कर रही थी तो हम लोगों ने बिहार की सड़कों पे काफी विमेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर और ये बहुत अच्छी बात हुई कि इस मुद्दे को लेकर सारे विमेन ऑर्गेनाइजेशन गोलबंद हुए और सड़कों पर बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई और पहली बार बिहार के अंदर ब्लैंकेट बैंड का ऑर्डर जारी हुआ पट्टा कोर्ट द्वारा तो ये एक बहुत बड़ी बात थी और पत्रकारों के अधिकारों पर यह हमला था अभिव्यक्ति की आजादी पे ये हमला था और मुझे लग रहा था मैं मैं तब तक नौकरी नहीं कर रही थी फ्रीलांस कर रही थी मैं अलग अलग अखबारों के लिए, लिए लिखती थी और मैं एक्टिविस्ट जिम भी कर रही थी तो मुझे लगा कि इसको चैलेंज करेंगे कोई मीडिया हाउस चैलेंज करेगा लेकिन जब किसी मीडिया हाउस ने चैलेंज नहीं किया तो बीइंग ए जर्नलिस्ट मुझे लगा कि इसको चैलेंज करना चाहिए और हमारी दोस्त और वकील सुप्रीम कोर्ट की लॉयर फौजिया शकील से हम लोगों ने बात की और मैंने फिर पहला पीआईएल दर्ज किया और संयोग से सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया और पटना हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी हम लोग इस फिल्म के ऊपर भी आते हैं क्योंकि ये डायरेक्टर पुलकित ने ये फिल्म बनाई है और भूमि पेंडेकर जो है उनका लीड रोल में है उनका नाम उसमें वैशाली सिंह पत्रकार बनी है और बड़े मतलब दिखाया है फिल्म में कि क्यों मैंने देखा है उस फिल्म को तो तो उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो एक बड़े सत्ता के चीजों को और लोगों को चैलेंज कर रही होती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से सरकार का संरक्षण रहता है उस शेल्टर होम चलाने वाले को तो वो सारी चीजें हमने देखी हैं मैं एक बात आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या जो फिल्म बनी है उसमें क्या आपके बारे में क्योंकि हम लोगों को जब हम लोगों ने फिल्म देखी तो बाद और खबरें बनने लगी कि आपका भी नाम आया कि आपके ऊपर इंस्पायर होकर यह फिल्म बनी है या उस पूरी कहानी से इंस्पिरेशन है और आप उसमें एक लीड कैरेक्टर आपको देखते हो बना गया आप इसको कैसे देखती हैं इस पूरे मामले को मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने मेरे ऊपर फिल्म बनाई है क्योंकि उन्होंने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया मेरी वकील से जरूर संपर्क किया और मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं इसलिए मैं कहीं भी ये दावा नहीं कर रही हूँ कि मेरे ऊपर अः ये फिल्म बनी फिल्म मैंने भी देखी है और मुझे फिल्म ठीक ठाक लगी और सिर्फ एक जगह मैंने सिर्फ पत्रकार पर वो फिल्म केंद्रित है क्योंकि इस पूरी कहानी को जितने डीप में जाकर लिखना चाहिए राइटर को वो चीजें नहीं आई और जो सबसे बड़ी बात थी कि अगर ये पी नहीं होता जो मैं डिटेल में पी के बारे में बता रही थी आपको कि अगर ये पी नहीं होता तो ये न्याय जो मिला उन बच्चियों को जो भी न्याय मिल पाया वो वहां तक वो मामला नहीं पहुंचता तो उन्होंने जो कैरेक्टर उसमें बिल्ड किया है पी देने वाले का वो भी बहुत इनसिग्निफिक है और उन चीजों को उन्होंने नहीं लिया लेकिन बगैर मेरे PIL के मामला तो को क्रेडिट नहीं दिया ये लगता हो कि क्रेडिट देंगे तो अः और चीजें होंगी और उस फिल्म को मेरी हो सकता है कि हम मेरा इंटरवेंशन हो इसलिए भी उन्होंने नहीं किया फिल्म कोई बहुत ऐसी नहीं है कि इसको कहा जाए कि बहुत उम्दा है बहुत रिसर्च किया और, और फिल्म को वो क्लेम भी नहीं करते हैं कि बिहार और मुजफ्फरपुर का मामला हाँ, फिल्म में उन लोगों तो ने अभी मान खब बदल दिए है ये हाँ। हिम्मत उनको होनी चाहिए थी कि अगर वो एक सच्ची घटना पे आधारित फिल्म बना रहे थे तो जो कुछ हुआ वो वो उसको दिखाते जैसे कई फिल्में बनती हैं और वो सही सही नाम के साथ या तो फिर आप कहते हैं कि सबके सब काल्पनिक पात्र थे लेकिन मुजफ्फरपुर शेल्टर होम एक जीवित गाथा है एक भयानक सच है और उस सच को अगर आप फिल्म में दिखाते हैं तो आप क्रेडिट भी नहीं देते हैं जो लोग लंबी लड़ाई लड़ते हैं लेकिन सच्चाई ये है कि ये आंदोलन लड़ा गया और मैंने भी इस लंबी लड़ाई लड़ी और ये आसान नहीं था और कोई पीआईएल करना नहीं चाह रहा मेरी वकील ने मुझसे कहा कि मैम ऐसा तो नहीं होगा कि प्रेशर पड़ेगा तो आप पीआईएल वापस ले लेंगी बच्चियों ने जो बयान दिए थे वो भयावह बयान था कि मूछ वाले अंकल आ रहे थे तो वाले अंकल आ रहे थे हमें नशा दिया जा रहा था हमें भेजा जा रहा था हमारे वजायना के साथ क्या हो रहा था बच्चों को मारा जाता था बुरी तरह आ, आ, उसको सेक्शुअली अब्यूज किया जाता था ये ये सारे बयान जो थे उसको आधार सीबीआई नहीं बना रही तो जब आप बच्चों के बयान को आधार नहीं बनाएंगे तो हम तो जस्टिस तक पहुंचते ही नहीं तो उन बयान को आधार बनाने के लिए मुझको फिर तीसरा पीआईएल करना पड़ा और ये बहुत अच्छी बात है कि कभी कभी न्याय हमारे साथ होता है अक्सर ऐसा होता नहीं है कि न्याय हमेशा आपके साथ तो फिर ये तीसरा फैसला आया कि सीबीआई जो है बच्चियों के बयान को आधार बनाए।, आधार बनाए और तब उन बयान को आधार बनाया गया क्या, क्या जब आप ये पीआईएल फाइल कर रही थी मुजफ्फरपुर वाले केस में शेल्टर होम केस में और जिस तरह से आप लोग कवरेज भी कर रही थी और पी आई एल फाइल कर रही तो क्या आपके ऊपर भी किसी तरह की कोई मतलब थ्रेट था किसी तरह की कोई आपके ऊपर परेशानी आई है कुछ ऐसी चीजें अगर आप शेयर करना चाहें तो मेरे ऊपर थ्रेट तो था लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं उसकी दो वजह थी मैं सिर्फ जर्नलिज्म से नहीं जुड़ी पीछे आ, महिला आंदोलन की बड़ी ताकत थी और हम हम उसके साथ भी थे और दूसरा कि ये इतना आसान नहीं था मामला इतना बाहर आ चुका था इतना हाईलाइटेड हो चुका था कि बहुत बार चीजें हाथ से बाहर निकल जाती तो प्रेशर तो था इनडायरेक्टली कहलाया भी गया मुझ मुझ, मुझ मेरे ऊपर लेकिन जो लोग मुझको पच्चीस सालों से पत्रकारिता करते हुए देख रहे थे क्योंकि सरकार के पास सारी जानकारियां होती तो वो जानते थे कि मैं किस तरह की पत्रकार हूँ चलिए तो हमसे बात करने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपका बहुत शुक्रिया